केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री के केस को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को सौंप दिया है। इस केस को अब 7 जजों की बेंच सुनाएगी। हालांकि अभी सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री जारी रहेगी। अपने पिछले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया है। सबरीमाला मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर परिसर के आसपास करीब 10,000 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। वहीं 16 नवंबर से मंचलम मकर विकल्प उत्सव शुरू हो रहा है, जिस कारण वहां सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जा रही है। 2 महीने तक चलने वाले इस वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सबरीमाला विवाद पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बयान देते हुए कहा कि जैसे राम मंदिर का फैसला स्वीकार किया है, वैसे ही सबरीमाला पर भी फैसला स्वीकार करें। सबरीमाला केस पर भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई ने कहा है कि अब समय आ गया है कि पुराने रिवाजों को बदला जाए। महिलाओं पर पाबंदी लगाना असंवैधानिक है, गलत परंपरा को जारी नहीं रखा जा सकता। ये महिलाओं के अधिकार की बात है। 21वीं सदी में हम प्रतिसत्ता की पद्धति को स्वीकार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले पर पुनर्विचार याचिका की खारिज कर दी है अपील। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को बरकरार रखने के लिए 14 दिसंबर 2018 को फैसला सुनाया था। इसके बाद इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी। फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया में 2 जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा लड़ाकू विमान की कीमत, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की भूमिका पर सवाल खड़ा किया गया था। राफेल विमान सौदे पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने देश को गुमराह किया है, ऐसे में उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए। अवमानना मामले में राहुल गांधी की बिना शर्त माफी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही कोर्ट ने नसीहत देते हुए राहुल गांधी को भविष्य के लिए चेताया है। कोर्ट ने राहुल को कहा है कि भविष्य में कोर्ट से जुड़े किसी भी मामले में किसी भी प्रकार का राजनीतिक भाषण देने में सतर्कता बरते। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है। महाराष्ट्र में सरकार गठन में आए गतिरोध और उसके बाद लगे राष्ट्रपति शासन पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार बनाने का मौका किसी से भी नहीं छीना गया है। शिवसेना की नई शर्तें हमें मंजूर नहीं है, इसलिए हम सरकार नहीं बना पाए। एनआई को दिए एक इंटरव्यू के दौरान एक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से शिवसेना से हुई बातचीत पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे ऐसे संस्कार नहीं है कि हम बंद कमरे में हुई बातों को सार्वजनिक करें। हमने कोई विश्वासघात नहीं किया है। सामना के जरिए शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोला है। शिवसेना ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि राज्यपाल ने बीजेपी को 48 घंटे दिए, हमें नहीं। राष्ट्रपति शासन की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। राज्यपाल ने शिवसेना एनसीपी को समय नहीं दिया। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के बावजूद यहां की राजनीति उफान पर है। शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट कर लिखा, अब हारना और डरना बना है। हार हो या जीत, अब मान लिया ही जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट से उपचुनाव लड़ने की राहत मिलने के बाद आज 17 बागी विधायकों में से 15 बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कर्नाटक पार्टी मुख्यालय में आयोजित समारोह के दौरान इन्हें बीजेपी की सदस्यता दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा और प्रदेश अध्यक्ष नलीन कुमार कटिल भी मौजूद रहे। 5 दिसंबर को 15 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी इन पूर्व विधायकों को फिर से टिकट दे सकती है। हरियाणा में मनोहर के कैबिनेट का विस्तार हुआ। 6 कैबिनेट मंत्री और 4 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। चंडीगढ़ में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। बीजेपी के कोर्ट से 8, जेजेपी के कोर्ट से 1 और एक निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल शांति वन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व सीएम मनमोहन सिंह, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने श्रद्धांजलि दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके जन्मदिन के मौके पर याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। गाजियाबाद में आज सुबह 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 482 रेड जोन रहा। बढ़ते प्रदूषण के चलते ईपीसीएल ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को अगले 2 दिनों तक बंद रखने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी गाजियाबाद में आगामी 17 नवंबर तक पूर्णता निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दिया गया है। राजधानी दिल्ली में 15 नवंबर तक चलने वाले ऑड इवन योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण पर कहा कि मुझे लोगों की सेहत की चिंता है और दिल्ली देश की राजधानी की जो इमेज बन रही है उसकी भी चिंता हो रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नई पहल करते हुए अब रेहड़ी पटरी वालों की पहचान और उन्हें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में लाने के लिए कदम उठाई है। केंद्र सरकार से आए नए आदेशों के तहत अब रेहड़ी पटरी वालों की स्मार्ट कार्ड देने का फैसला लिया गया। चिप, क्यूआर और बारकोड से लैस होगा ये स्मार्ट कार्ड। लोगों को कार्ड के जरिए मिल पाएगी पूरी जानकारी। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर लखनऊ विकास प्राधिकरण में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ को उजागर किया है। 26 अगस्त को लिख पत्र में केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ विकास प्राधिकरण में हुए घोटालों की लिस्ट भी भेजी थी। इस पत्र में केशव प्रसाद मौर्य ने कमर्शियल प्लांट के आवंटन, प्लांट के फर्जीवाड़े, पुरानी योजनाओं को गायब हुई फाइल, निजी बिल्डर को फायदा पहुंचाने जैसे मामले पर कार्रवाई करने की मांग की थी। घोटाले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है सामने। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि चिट्ठी लिखना एक रूटीन वर्क, शिकायतें आएंगी तो चिट्ठी लिखी ही जाएंगी। यूपी के अमेठी में अर्निंग टीवी की खबर का असर देखने को मिला है। बदसलूकी करने वाले डीएम प्रशांत शर्मा को हटाया गया है। डीएम ने पीसीएस अधिकारी सुनील का कॉलर पकड़कर उससे बदसलूकी की थी। भाई की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे सुनील। डीएम की बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अरुण कुमार को अमेठी के नया डीएम बनाया गया था और वहीं प्रशांत शर्मा को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया था। डीएम प्रशांत शर्मा के अभद्र व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है और लोगों ने उन्हें जमकर निशाने पर भी बना लिया। अमेठी से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी डीएम को ट्वीट कर सलाह दी थी और लिखा था कि विनयशील एवं संवेदनशील बने, हम यही प्रयास करते हैं, जनता के हम सेवक हैं, शासक नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को धार देते हुए बीजेपी के चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर आज रांची जाएंगे। माथुर आजसू के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम दौर तक की बातचीत के सिलसिले से पिछले कई दिनों से दिल्ली में थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो के साथ गठबंधन को लेकर 10-3 के फॉर्मुलों पर बैठक हो सकती है। 19 सीट की मांग पर अड़ी आजसू के लिए भी ओम माथुर के साथ ये बैठक अहम हो सकती है। अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ होने के बाद एटा के जलेसर में घटा बनाने की कवायद तेज हो गई है। राम मंदिर के लिए 10 घंटे बनाए जा रहे हैं जिनमें से एक घंटा बनकर तैयार भी हो गया है। इस घंटे की कीमत 10 लाख रुपए है और इसका वजन 2100 किलो के करीब है। इस घंटे का ऑर्डर पहले से ही मिल गया था। भारतीय गणितज्ञ वरिष्ठ नारायण सिंह का आज पटना के पीएचएमसीएच में निधन हो गया। वो पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। वरिष्ठ नारायण सिंह के निधन से पूरा बिहार गमगीन है। तकरीबन 40 साल से मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह पटना के एक अपार्टमेंट में गुमनाम की जीवन को बिता रहे थे। मौत के कुछ दिनों पहले तक भी किताब, कॉपी और एक पेंसिल उनकी सबसे अच्छी दोस्त रही। उन्होंने आइंस्टाइन को भी चुनौती दी थी। बिहार की राजधानी पटना में बड़ा हादसा होते हुए टल गया। जकनपुर एरिया में मीठापुर बस स्टैंड के पास एक स्कूली बस गड्ढे में पलटकर गिर गई। इस हादसे के दौरान बस में 5 बच्चे सवार थे। बस के गड्ढे में पलटने के दौरान बच्चों को बचाने की कोशिश शुरू की गई। क्रेन की मदद से बस को भी बाहर निकाल लिया गया। बस में सवार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।
यूपी के प्रतापगढ़ लालगंज थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। मोठिन गांव के पास रोडवेज बस और बोलेरो कार में भीषण टक्कर हुई, जिसमें एक चालक समेत 7 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बोलेरो में सवार सभी छात्राएं बीटीसी फाइनल के एग्जाम्स देने जा रहे थे। यूपी की राजधानी लखनऊ में पीएफ घोटाले को लेकर हजारों की तादाद में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ के दैनिक जागरण चौराहे से लेकर शक्ति भवन तक कर्मचारियों ने पैदल मार्च निकाला। कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए शक्ति भवन पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वित्त मंत्रालय ने अगले बजट में इनकम टैक्स, कॉपीराइट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, एक्साइज और कस्टम ड्यूटी में बदलाव के लिए इंडस्ट्री और व्यापारिक संगठनों से सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय हर साल बजट से पहले इंडस्ट्री के लोगों के साथ मीटिंग कर उनकी राय जनता से लेगी, लेकिन संभवतः पहली बार टैक्स में बदलाव के सुझाव मांगने का सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि करों में बदलाव और टैक्स बेस बढ़ाने के लिए 21 नवम्बर तक तर्कसंगत राय दें। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भारत में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रिंस चार्ल्स ने मुंबई में अपना 71वां जन्मदिन बच्चों के साथ मनाया। इस दौरान शाही परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। प्रिंस चार्ल्स का भारत दौरा जलवायु परिवर्तन, सामाजिक सुरक्षा और व्यवहारिक वित्तीय समाधानों पर केंद्रित है। प्रिंस चार्ल्स का ये 10वां भारत का दौरा है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम आर्ट ऑफ डे के बोर्ड में शामिल हो गई है। वह म्यूजियम की पहली भारतीय मादक ट्रस्ट बनी है। म्यूजियम के चेयरमैन डेनियल ब्रॉडकार्डे ने यह जानकारी दी। नीता अंबानी पिछले कई साल से मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम की प्रदर्शनियों को सपोर्ट कर रही है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। बीएसएनएल ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए 2 नए प्लान लॉन्च किए हैं। इस प्लान की कीमत 69 रुपए और 365 रुपए है। बीएसएनएल के 69 रुपए वाले प्लान में एसटीवी है, जिसकी वैलिडिटी ज्यादा दिनों की नहीं है। इस प्लान की वैलिडिटी 18 दिनों की रखी गई है। इस प्लान में कई तरह के बेनिफिट्स भी है और इसी के साथ प्लान में सब्सक्राइबर्स को सभी नेटवर्क पर वॉइस कॉलिंग के लिए रोज 250 मिनट मिलेंगे। इसके अलावा हर दिन यूजर्स को 2 GB डेटा भी दिया जाएगा। इन्फोसिस के सीईओ सलील पारिक के खिलाफ एक और बिहेवियर में शिकायत दी गई है। शिकायत करने वालों ने कहा है कि पारिक को इन्फोसिस ज्वाइन किए 1 साल और 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो मुंबई से ही काम कर रहे हैं। इस तरह के सीईओ के बेंगलुरु में रहने की शर्तों का उल्लंघन माना जा रहा है। तेल कंपनी ने आज पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी की है। वहीं बढ़ोतरी के बाद दिल्ली के साथ ही कई शहरों में पेट्रोल महंगी हो गई, जबकि डीजल की कीमत पहले जितनी ही बनी हुई है। दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 15 पैसे की तेजी के साथ 73 रुपए 45 पैसे पर है और 1 लीटर डीजल का भाव अपनी पुरानी कीमत 65 रुपए से 69 पैसे रुपए पर बना हुआ है। घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत आज भी तेजी के साथ हुई, लेकिन कमजोर कारोबारी रुझान के कारण बाजार की चाल सुस्त पड़ गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया भी मामूली बढ़त के साथ खुलने के बाद कमजोर पड़ गया है। कश्मीर और अयोध्या का मामला उठाने पर यूनेस्को में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत ने पड़ोसी मुल्क की आलोचना करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को हमारे अंदरूनी मामलों में टांग नहीं लड़ानी चाहिए। साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से दुनिया परेशान है। साथ ही भारत ने कहा है कि पाकिस्तान प्रोपोगंडा रच रहा है और भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के आधार पर फैसला लिया है। पाकिस्तान हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने माना है कि भारतीय सेना से लड़ने के लिए कश्मीरियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती थी। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि ओसामा बिन लादेन और जलालुद्दीन हक्कानी जैसे आतंकी पाकिस्तान के हीरो थे। मुशर्रफ के इंटरव्यू का वीडियो पाकिस्तानी राजनेता फरहतुल्ला बाबर ने ट्विटर पर शेयर किया है। इसमें मुशर्रफ लादेन और हक्कानी को हीरो बताते हुए नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान के काबुल में कार बम विस्फोट में बुधवार को कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और कई
अन्य घायल भी हो गए। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नसरत रहीमी के हवाले से बताया जा रहा है कि कसाबा इलाके में सुबह एक बार बम विस्फोट में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि विस्फोटों में कई लोग घायल भी हो गए। फिलहाल किसी संगठन ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदूषण के मुद्दे पर एक बार फिर से भारत, चीन और रूस की आलोचना की है। उन्होंने दावा किया है कि तीनों देश का कचरा समुद्र के जरिए अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस तक जाता है। जलवायु परिवर्तन को जटिल मुद्दा बताते हुए ट्रंप ने कहा कि वो कई मायनों में पर्यावरण प्रेमी है और वो पूरी धरती पर साफ हवा और पानी चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच से जुड़ी पहली सार्वजनिक सुनवाई वाशिंगटन में शुरू हो गई। महाभियोग सुनवाई का टेलीविजन पर पहली बार प्रसारण भी किया गया। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी जी बाइडेन और उनके पुत्र के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया था। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस आरोप से इनकार किया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सांसदों के सामने सबसे पहले पेश होने वाले गवाहों में शीर्ष राजनीतिक बिल टेलर और जॉर्ज केंट शामिल है। इटली के शहर वेनिस में हाई टाइड की वजह से भीषण बाढ़ आ गई। बाढ़ में शहर के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों में पानी भर गया है। वहीं वेनिस के मेयर लुइगी बिग्नोरो ने बताया कि शहर में 53 साल बाद ऐसी बाढ़ देखने को मिली है। बाढ़ के चलते शहर को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया। वहीं ऐतिहासिक मार्क स्क्वायर ने भी 6.2 फीट पर पानी भरता हुआ दिखाई दिया। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है। बांग्लादेश के कप्तान मोनिकुल हक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर भारत को गेंदबाजी सौंपी है। फोगाट सिस्टर्स ने रेसलिंग में नए मुकाम हासिल किए हैं। बबीता फोगाट की छोटी बहन रितु भी अपनी बड़ी बहनों की तरह नया कारनामा करना चाहती है। वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में प्रोफेशनल डेब्यू करने वाली है। उनकी पहली फाइट 16 नवंबर को है। वे बीजिंग में दक्षिण कोरिया की नेम ही किम से भिड़ेगी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट का मानना है कि हरभजन सिंह ऐसे गेंदबाजों में से है जिनका सामना करने में उन्हें हमेशा परेशानी आती है। गिलक्रिस्ट ने अपने 48वें जन्मदिन में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू में कहा, हरभजन उनके करियर के लिए अभिशाप की तरह है। सिक्की नायडू और कैप्टन मुश्ताक अली जैसे मशहूर क्रिकेटरों के शहर इंदौर पर क्रिकेट का बुखार पूरी तरह चढ़ चुका है। टीम इंडिया के कप्तान यहां बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। विराट ने एक एड शूट के दौरान बच्चों के साथ यह क्रिकेट खेली। बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में गेंद से छेड़छाड़ की बात स्वीकार करने के लिए 4 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया। पूरन अब वेस्टइंडीज की ओर से 4 T20 मैचों में नहीं खेल पाएंगे और उनके रिकॉर्ड में 5 डिमेरिट अंक भी जोड़ दिए गए हैं। बॉलीवुड की डीवा मलाइका अरोड़ा अंजुन कपूर संग अपने रिलेशन को लेकर काफी सुर्खियों में लगातार बनी रहती है। मीडिया में चर्चा का विषय बनी मलाइका अरोड़ा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस बार की वीडियो अंजुन कपूर संग नहीं बल्कि एक बुजुर्ग फैन के साथ वायरल हो रहा है। जब मलाइका अपनी गाड़ी से उतरी तो एक बुजुर्ग तुरंत उनके पास आकर सेल्फी लेने लगा। ऐसे में जब बुजुर्ग ने सेल्फी लेनी चाही तो उनका हाथ कांपने लगा। इतने में मलाइका ने बेहद शालीनता से उनके फोन को सपोर्ट दिया और सेल्फी क्लिक कराई। बॉलीवुड की सबसे हैपनिंग जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह आज अपनी शादी की पहली सालगिरह सेलिब्रेट कर रही है। इस सेलिब्रेशन के लिए ये जोड़ी भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए तिरुपति पहुंची। इस जोड़ी ने पहले तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। दोनों का परिवार भी इस खास मौके पर उनके साथ दिखा। दीपिका रणवीर 15 नवम्बर को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के लिए भी रवाना होंगे। एक्टर सोनू सूद ने बैंकॉक में चल रहे एनुअल स्पेशल ओलंपिक एशिया पैरासिप के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम की मदद करने का फैसला लिया है। सोनू इंडियन टीम को मोटिवेट करने के साथ ही साथ वो उनकी
ट्रैवलिंग का पूरा खर्च भी उठा रहे हैं। सोनू लगातार टीम के कोच के संपर्क में है और उनकी ट्रेनिंग में भी निजी तौर पर रुचि ले रहे हैं। ये स्पर्धा 13 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक चलेगी। अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होने जा रही अक्षय कुमार की बच्चन पांडे में एक्ट्रेस कृति सेनन की एंट्री हो गई है। फिल्म मेकर साजिद नाडियावाला ने ट्विटर पर इसकी जानकारी शेयर की है। हाल ही में दोनों की फिल्म हाउसफुल 4 रिलीज हुई थी, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का कारोबार कर लिया है। साजिद नाडियावाला ने फिल्म कास्ट को लेकर ट्वीट किया कि हमारी 2020 की क्रिसमस की और खुशहाल बनाने के लिए कृति सेनन आ गई है, परिवार में उनका स्वागत है। आशुतोष गोवारिकर की फिल्म पानीपत का पहला गाना मर्द मराठा रिलीज हो गया है। इस गाने में मराठा योद्धाओं की गौरव गाथा सुनाई गई है। फिल्म में अर्जुन कपूर भी मराठा योद्धा सदाशिव राव भाऊ के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में कृति सेनन अर्जुन कपूर की पत्नी के रोल में दिखेंगी। फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज होगी।